हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट। तो देखो पावर क्या होता है, ये तो आपने 10th में पढ़ा था कि भाई द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ये वाली डेफिनेशन क्लास 10th में पढ़ी हुई थी, लेकिन यहाँ क्या स्पेशल है, यहाँ पे स्पेशल ये है कि पावर हम पढ़ेंगे एसी सर्किट के अंदर। वहां जो हमने पावर पढ़ी थी 10th क्लास में, वो पढ़ी थी डीसी सर्किट के अंदर, यानी कि जो करंट सेल या बैटरी देती थी तब हमने कैलकुलेट की थी पावर। वहां पर हमारे कोई फॉर्मूले भी थे, अगर आपको मैं रिमाइंड करा दूं क्लास 10th के फॉर्मूले, तो आपको क्या कहते हैं वहां पर, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। बस मैं थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूं कि वहां जो पावर होती थी वो डीसी करंट की होती थी, यहां जो पावर की बात करूंगा वो एसी करंट की बात करूंगा। पहला फर्क, पावर के फॉर्मूले वही रहेंगे जो होते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। P = W / D वर्क डन / टाइम, या फिर पावर को एक और तरीके से एक्सप्रेस करते थे V into I, या फिर पावर को एक और तरीके से एक्सप्रेस करते थे I square R या V square by R। ठीक है, तो अपन का टॉपिक है वही, तो द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर। डेफिनेशन वही है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी जिस रेट से, उसी को हम पावर कहेंगे। अब एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, जितना वर्क होगा, तो यानी डीसी करंट की डेफिनेशन और एसी करंट की डेफिनेशन तो सेम है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क या द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूमिंग, वो हमारी पावर होती है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इट्स पावर। ओके, अब बोला इन अ डीसी सर्किट द पावर इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब वही बोल रहा है कि डीसी सर्किट के अंदर अगर याद हो तो पावर को कैसे डिफाइन करते थे, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया P = VI वोल्टेज इनटू करंट। लेकिन एसी सर्किट में क्या होगा, बट इन एसी सर्किट बोथ वोल्टेज एंड करंट वेरी साइनसोइडली विद टाइम। यानी कि एसी सर्किट में दिक्कत क्या होती है कि भाई करंट हर पल बदलता है, थोड़ा 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 बढ़ता है, ज्यादा फिर कम होता है, हर पल बदलता है। तो यहां हम कैसे निकाल पाएंगे, यहां हम क्या आई लें और क्या वी लें, पहली प्रॉब्लम यह है। तो उन्होंने बोला इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सो फॉर एन एसी सर्किट, यानी एसी सर्किट के लिए हमें वी डिफाइन द इंस्टेंटेनियस पावर एज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। यानी कि यहां पर हम अगर पावर बता पाएंगे किसकी, एसी सर्किट की, तो ये बताएंगे इस मोमेंट में कितनी है, बस ना हमें इसके बाद की पता, ना हमें इससे पीछे की पता। बात क्लियर है, क्यों, क्योंकि हर वक्त करंट और वोल्टेज बदलते हैं, तो इंस्टेंटेनियस करंट पता चल जाएगा भैया इस वक्त करंट इतना है और इस वक्त वोल्टेज इतना है, तो हम बता देंगे इस वक्त पावर कितनी है। बात क्लियर है, तो हम यहां पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर दे सकते हैं और साथ में हम एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर। ठीक है, और टॉपिक का नाम ही है पावर इन एन एसी सर्किट, तो बात तो ये करनी पड़ेगी एसी सर्किट में पावर कैसे कैलकुलेट करें। क्लियर है, तो इतना तो क्लियर हो गया, या तो इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हैं उस मूवमेंट की उसी टाइम पे, या फिर एवरेज पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करना, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ठीक है, आगे। सपोज इन एन एसी सर्किट द वोल्टेज एंड करंट एट एनी इंस्टेंट आर गिवन, भाई इन्होंने मान लिया किसी भी इंस्टेंट टाइम पर वोल्टेज और करंट कितने कितने हैं। इन्होंने बोला ये आपका ई नोट साइन ओमेगा टी, यानी जिस वक्त पे आप वोल्टेज को देख रहे हो उस टाइम पे ई नोट साइन ओमेगा टी है, और करंट आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है। करंट आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव क्यों लिया है, ओमेगा टी माइनस फाइव इसलिए लिया है ताकि हम आपको बता सकें कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एसी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहे। तो हमने यहां कोशिश की है इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस दिखाने की। जरूरी नहीं है कि ओमेगा टी माइनस फाइव लिखो, ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते थे, बस फर्क इतना है यहां पर मैंने कोशिश की है कि मेरी वोल्टेज लीड करेगी, यानी जो ओमेगा टी ज्यादा है, और करंट ओमेगा टी माइनस फाइव पीछे है, यानी करंट लैग करेगा वोल्टेज लीड करेगी, बस मैं डिफरेंस दिखाना चाहता हूं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। आप चाहो तो कहो कि नहीं भाई हम तो है नहीं करंट को लीड कराएंगे, तो ओमेगा टी प्लस फाइव कर दो, ओमेगा टी प्लस फाइव कर दो, करंट लीड करेगा यानी आगे चलेगा, वोल्टेज पीछे चलेगी। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर निकालने जा रहे हैं। तो हमने कहा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर फाई इज द फेज एंगल बाय विच द वोल्टेज ई लीड द करंट आई। यानी कि यहां पे जो फाई दिया हुआ है वो क्या है, फेज एंगल है,
और फाई क्या बता रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है, वो तो देख ही लो, ओमेगा टी से पीछे है करंट, ओमेगा टी माइनस फाई, तो आगे कौन है, वोल्टेज, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है। यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएगी पावर की, वही फॉर्मूला, द इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाई पी कस्टू होता है ई इंटू आई, वही रहेगा पी कस्टू वी इंटू आई, भाई पी कस्टू क्या होता है वी इंटू आई, अब वी क्या है आपका यहां पर ई एम एफ, तो ई इंटू आई, तो इंस्टेंटेनियस पावर तुम बता सकते हैं। अब ई की वैल्यू क्या लगा दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो आगे ई नॉट आई नॉट को एक साथ लिख लिया, साइन नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई को एक साथ लिख लिया, कोई दिक्कत यहां तक, सिर्फ आगे पीछे लिख दिया। अब एक काम करने जा रहा हूं, जानते समझना, यहां टू का मल्टीप्लाई कर दूं और टू का डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत, टू से टू कट जाएगा, अगर इसमें मैं टू का मल्टीप्लाई कर दूं और टू का डिवाइड कर दूं इस वाले में नंबर टू में, तो देखो टू से टू कट जाएगा, रहेगी तो वही वैल्यू, तो वही मैंने किया यहां पर, टू का मल्टीप्लाई करके टू का डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों किया ध्यान समझना, ये एक फॉर्मूला बनना है मेरा, टू साइन ए साइन बी, ये एक मेरा फॉर्मूला होता है, टू साइन ए माइनस टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है। यहां पर ए क्या है मेरा ओमेगा टी, लिख देता हूं, ए क्या है मेरा ओमेगा टी और बी क्या है मेरा ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी बी की जगह यूज करो ओमेगा टी माइनस का फाइव, कोई दिक्कत, तो टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी यानी कि टू साइन ए, ए की जगह ओमेगा टी साइन बी, बी यानी ओमेगा टी माइनस का फाइव, तो टू साइन ए साइन बी एक फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले में बदलने के लिए मैंने टू का मल्टीप्लाई किया, अब मैथ तो अलाउ करेगा नहीं टू का मल्टीप्लाई करना, इसलिए डिवाइड भी कर दिया, क्लियर है। तो टू साइन ए साइन बी क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, नोट करना, नोट कर लो, अब हमने इसको लिख दिया कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव, अब आपको ऐसे कैसे लिख दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है ध्यान समझ लो, ये होता है कि आप टू साइन ए साइन बी को ये लिख सकते हो, याद करो ए कितना था आपका, ए था आपका ओमेगा टी और बी क्या था आपका ओमेगा टी माइनस का फाइव, चेक करो वही है कि नहीं, टू साइन ए साइन बी फॉर्मूला क्या है, टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, पुट करो कॉस ए माइनस बी, अब देखो ध्यान से, कॉस ए माइनस बी, ए कितना है हमारा ओमेगा टी, माइनस बी यानी कि माइनस का लगा के, और बी कितना है मेरा ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया तो ये बन गया कॉस फाइव, तो इसीलिए मैंने कॉस ए माइनस बी की जगह लिख दिया कॉस फाइव, क्लियर है, कॉस ए माइनस बी की जगह क्या लिख दिया कॉस फाइव, क्योंकि देखो कॉस ए माइनस बी सॉल्व करके कॉस फाइव आ रहा है, ठीक है। अब हमारा आगे क्या है, कॉस ए प्लस बी आ गया, कॉस ए प्लस बी, देखो माइनस लगाया कॉस ए प्लस बी, अब कॉस ए प्लस बी कर दो, कॉस ए कितना है ओमेगा टी प्लस बी कितना है ओमेगा टी माइनस का फाइव, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी क्या हो गया एड होकर टू ओमेगा टी, तो ये बन गया कॉस टू ओमेगा टी माइनस का फाइव, तो देखो कॉस टू ओमेगा टी माइनस का फाइव, क्लियर है, यानी मैंने टू साइन ए साइन बी को एक अनदर टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, कॉस के टर्म में कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी माइनस का फाइव, क्लियर है। अब मैं निकालने जा रहा हूं उसकी एवरेज पावर, क्या निकालने जा रहा हूं एवरेज, ये वाली तो हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस पावर, क्लियर है। अब इसकी एवरेज पावर क्या होगी, एवरेज पावर डेसिपेटेड पर साइकिल क्या होगी, एवरेज ऑफ ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी जो इसका एवरेज होगा वही इसका हम एवरेज मान के चलेंगे पावर का, यहां तक क्लियर है। यानी ये वैल्यू किसको बता रही है, ये वैल्यू बता रही है इंस्टेंटेनियस पावर को। आगे अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं एवरेज पावर की, किसकी बात कर रहे हैं एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर हम कहां से कहां मानते हैं पहले बता दो, एवरेज पावर हम मानते हैं साइकिल में, यानी करंट यहां से शुरू हुआ, ये एक साइकिल को एवरेज मानते हैं। अब आपको पता है एक साइकिल में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, अगर कोई साइनसॉइडल क्वांटिटी है, अगर कोई साइनसॉइडल क्वांटिटी है किस पर डिपेंड कर रही है, यहां पर ओमेगा टी पर डिपेंड कर रही है, तो आपका एक साइकिल में एवरेज जीरो होता था, ये हमने बात की थी जब हमने करंट का एवरेज निकाला था कंप्लीट साइकिल में, हालांकि जब हाफ साइकिल में निकाला था हमने करंट का एवरेज हाफ साइकिल में तो निकला था, लेकिन जब हमने पूरी साइकिल में करंट का एवरेज निकाला था तो हमारा एवरेज निकल के आया था जीरो। तो ध्यान से देखना कॉस टू ओमेगा टू माइनस फाइव, ये वाला टर्म में क्या आ रहा है टू ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा टी पर डिपेंड कर रहा था, पूरी साइकिल की बात करेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, और कंप्लीट साइकिल का एवरेज जीरो होता है। तो बचा क्या, द सेकंड, देखो मैंने लिख भी दिया द सेकंड कोसाइन टर्म
cos 2 omega t minus phi is the time dependent. ये time dependent है इसलिए its average cover a cycle is zero. यानी इसकी एक cycle में average zero आएगी. बचा क्या? P average equals to E naught I naught by 2 cos phi. P average equals to E naught I naught by 2 cos phi. Clear है? तो आपका instantaneous power भी निकल आया, ये आपका average power भी निकल आया किसका? एक cycle का. आपका एवरेज पावर निकल आया एक साइकिल का कितना? E नॉट I नॉट बाई 2 cos phi. अब इसको किसी और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब वो एक्सप्रेस करने का तरीका है, जैसे हमने P कस टू VI भी बोल सकते हैं, P कस टू I स्क्वायर R भी बोल सकते हैं, P कस टू V स्क्वायर भी R बोल सकते हैं. निकलता तो सबसे पावर ही है. सेम यहां पे P एवरेज ये भी निकाल सकता है, E नॉट I नॉट बाई 2 cos phi. क्या किसी और टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ. अब देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पी एवरेज को हमने क्या किया, देखो पी एवरेज इक्वल टू मेरा था ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos phi. अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको 2 को ई नॉट आई नॉट, क्या मैं 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं? क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, रूट 4 इंटू रूट 4 4 होता है, रूट 5 इंटू रूट 5 होता है. तो तोड़ दो 2 को, तो 2 को तोड़ा तो रूट 2 रूट 2 टूट गया cos phi. अब याद करो E नॉट बाई रूट 2 क्या होता था? ई आर एम एस, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ई एम एफ. और आई आर एम एस क्या होता था? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट. तो ई नॉट बाई रूट 2 क्या बन गया? ई आर एम एस. और आई नॉट बाई रूट 2 क्या बन गया? आई आर एम एस. और ये बन गया cos phi. तो एक नया टर्म आ गया कि भैया P एवरेज इक्वल टू होता है ई आर एम एस आई आर एम एस cos phi. क्लियर है? एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? ई आर एम एस आई आर एम एस cos phi. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब देखो ध्यान से समझना, इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ा था. क्या पढ़ा था? इंपीडेंस ट्रायंगल. ये जेड होता था, यहां पे phi होता था, यहां पर अपन कुछ भी मान लेते हैं, यहां पे XL माइनस XC होता था और यहां पे अपन का आर होता था. अगर यहां पर cos phi लगाओ, क्या लगाओ? cos phi. तो क्या आएगा? cos phi क्या होता है? cos phi की वैल्यू अपन यहां पर आ गई r अपॉन जेड. कितनी आएगी? r अपॉन जेड b अपॉन एच. क्या होता है cos phi? b अपॉन एच. तो b अपॉन एच, तो cos phi की r अपॉन जेड लगा सकते हो, r अपॉन जेड. तो इन्होंने बोला कि cos phi की आप r अपॉन जेड भी यूज कर सकते हो. तो एक बार नया फॉर्मूला हो गया, ई आर एम एस आई आर एम एस आर अपॉन जेड. सबका मीनिंग अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है. पी एवरेज को ये भी बोल सकते हो जो ये लिखा है, पी एवरेज को ये भी बोल सकते हो ई आर एम एस आई आर एम एस cos phi, पी एवरेज को ये भी बोल सकते हो ई आर एम एस आई आर एम एस आर बाई जेड. यहां तक बिल्कुल क्लियर है? अब हम एवरेज पावर की बात कर लेंगे कुछ स्पेशल केसेस के लिए. स्पेशल केसेस यानी कि अगर रजिस्टर लगाओ अकेला, क्योंकि ये जो एवरेज पावर आई है वो एसी सर्किट के लिए आई है. यानी हमने माना इसमें रजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है. ठीक है, एलसीआर सर्किट के अंदर एवरेज पावर थी. अब हम इंडिविजुअल निकालेंगे. हालांकि इसके डेरिवेशन में अलग से भी कराऊंगा कि जब मेरा अकेला रजिस्टर लगाया तो कितनी एवरेज पावर आएगी. अभी इसके थ्रू समझा देता हूं स्पेशल केस कि जब एलसीआर सर्किट की एवरेज पावर निकल आई है तो अब स्पेशल केसेस में कैसे निकलेगी. ठीक है, और अलग से भी करा दूंगा उसका डेरिवेशन. ठीक है, फॉर्मूला पुट करते आना, वो सिंपल है. अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट हो, अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट हो तो आपको पता है प्योर रजिस्टिव सर्किट है, फेज डिफरेंस जीरो होता था ई और आई का. यानी ये cos phi क्या हो जाएगा? cos जीरो. तो आपकी क्या आ जाएगी? वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं. अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो आपके जो कौन कौन होते हैं, वोल्टेज और करंट, वो सेम फेज में होते हैं. यानी कि cos phi cos 2 1 पुट होगा तो P एवरेज आपको आ जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस. यानी ये वैल्यू आ गई ई आर एम एस और आई आर एम एस. पावर इक्वल्स टू ई आर एम एस मल्टीप्लाई आर एम एस, क्योंकि cos 0 बन गया 1. किसके लिए? जब प्योर रजिस्टिव सर्किट है. यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम. अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है, अब प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था याद करो, इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस होता था पाई बाई 2 यानी कि 90 का. तो P एवरेज इक्वल टू होता है ई आर एम एस आई आर एम एस cos phi. अब phi की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे? पाई बाई 2, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2 का. और cos पाई बाई 2 कितना होता है? 0. और 0 इंटू समथिंग 0. तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर लगा हुआ है तो एक कंप्लीट साइकिल में उसके अंदर जो पावर निकल के आएगी एवरेज वो 0 आएगी.
तो थस द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टिव सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल है जीरो। क्लियर है? तो उसमें क्या थी ERMS IRMS, यहां पे जीरो है। नेक्स्ट, अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, सिर्फ कैपेसिटर लगाए फिर क्या करोगे, तो हियर द वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट। यहां पर क्या होता है, वोल्टेज लैग करती है, करंट आगे जाता है, लेकिन फेज डिफरेंस तो पाई बाई टू ही रहता है 90, तो यहां पे भी कॉस पाई बाई टू क्या हो जाएगा 90, तो कॉस 90 के लिए क्या होती है जीरो, तो यहां पे भी पी एवरेज आपका आ जाएगा जीरो। यानी कंक्लूजन निकला कि अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो भी एक कंप्लीट साइकिल के अंदर पावर का एवरेज जीरो ही रहेगा। थस द एवरेज पावर कंज्यूम इन कैपेसिटिव सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज ऑल्सो जीरो। क्लियर है? आगे सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट के लिए फोर सीरीज एलसीआर सर्किट पी एवरेज कितना निकला, ERMS IRMS cos phi। अब याद करो, जब मैंने आपको cos phi की वैल्यू निकलवाई थी, या फिर phi की वैल्यू निकलवाई थी, किसमें, जब इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया था, वहां पर phi cos phi कितना निकल के आया था याद होना चाहिए, वो ये निकल के आया था tan इनवर्स, वो निकल के आया था tan इनवर्स XL माइनस का XC बाई R। हालांकि यहां हमने मान के चला था वहां पर कि जो मेरा XL है वो ग्रेटर है XC से, ठीक है, ये कंडीशन मानी थी। तो अभी भी हम वही मानना कि जो हमारा इंडक्टर का कैपेसिटेंस है वो ज्यादा है किससे, इसके कैपेसिटर के रिएक्टेंस से, ठीक है। तो ये phi की जगह ये लग जाएगा, तो समटाइम phi मे हैव नॉन जीरो वैल्यू फॉर अ सीरीज LRLC सर्किट, सो पावर इज कंज्यूम इन सच सर्किट बट ओनली इन द रजिस्टर R। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, LCR सर्किट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, LCR सर्किट के अंदर कौन कौन होता है, L, C और R। अभी अभी देखा कि भैया L जीरो पावर एवरेज, C का जीरो पावर एवरेज, यानी जो भी LCR सर्किट के अंदर पावर निकल के आती है वो सिर्फ और सिर्फ इस रजिस्टर की वजह से आती है, इस रजिस्टेंस की वजह से आती है। तो वही लिखा है समटाइम्स फाइव में है नॉन जीरो वैल्यू, फाइव की नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है फॉर सीरीज LRLC सर्किट, ठीक है, कभी कभी, एंड LCR सर्किट, सो पावर इज कंज्यूम इन सच सर्किट बट ओनली इन द रजिस्टर R। यानी LCR सर्किट में पावर तो कंज्यूम होती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, ये रजिस्टेंस R करता है। क्लियर है? आगे एक और बात आ जाती है, पावर डेसिपेटेड एट रेजोनेंस इन LCR। रेजोनेंस LCR का मतलब क्या है, प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट। अब प्योर रजिस्टिव सर्किट का तो ये पहले केस पढ़ लिया था कि सिर्फ अकेला रजिस्टेंस लगाओ तो जो वहां होता था वही यहां हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन कब आती है, जब प्योर रजिस्टिव सर्किट हो, यानी XL बराबर XC phi 0 cos phi 1, यानी P एवरेज इक्वल टू ERMS IRMS। और यही आपका सेम कहां निकला था, यही सेम आपका निकला था जब आपका प्योर रजिस्टिव सर्किट हो, प्योर रजिस्टिव सर्किट हो, यानी कि आपकी रेजोनेंस कंडीशन मिलती है तब जब अकेला प्योर रजिस्टिव सर्किट हो। यानी फिफ्थ वाला केस किसके सेम है, केस वन जो पढ़ा था हमने, केस वन के, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट थ्रू आर एट रेजोनेंस, ठीक है, यानी रेजोनेंस कंडीशन में जो मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेट होती है थ्रू आर। क्लियर है? आई होप आपको कौन सा समझ आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।